वेलकम फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सबका नम्रता गुड मॉर्निंग गुरु गुरुकन्या हरिप्रिया प्रता सिंह प्रियंका यादव गुड मॉर्निंग सुजाता आराधना कुमारी आशा गुड मॉर्निंग लक्ष्मी आत्मा वैशाली पाटिल सुरजीत अरेफा प्रकाश गुड मॉर्निंग वेलकम है आप सब लोगों का जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए आपके व्हाट्सअप पे आपके फेसबुक पे ताकि जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ में जुड़ पाए ठीक है तो जल्दी से लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में जो हमारे विनर्स है कल की जो कॉन्टेस्ट दी है आप लोगों ने उस कल के कॉन्टेस्ट के विनर्स को भी अनाउंस करने वाला हो ठीक है तो सब लोग एक बार जल्दी से आ जाइए जुड़ जाइए तो हम विनर्स को भी अनाउंस करेंगे सी जेनिफर प्रश्मिता हो, पिंकी अंजलि, दिपज्योति पवन दिव्यानी, रोहित स्वास्ति सुकन्या सागर स्वामी सिद्धा रेणुका रोहन गुड मॉर्निंग मनीष श्वेता कुलदीप गुड मॉर्निंग अमूल्य बेहरा गुड मॉर्निंग फटाफट लिंक शेयर करिए और हम लेक्चर को शुरू करेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं कल जो हमने पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं उन कल पढ़े हुए जो टॉपिक है उसके ऊपर के जो कल कॉन्टेस्ट दिया आपके उसके एक्सप्लेनेशंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं पिंकी शेखावत काजल भरद्वाज तारिका नीलेष पपून हरिओम प्रसाद गुड मॉर्निंग अमित कुमार उद्धव प्रणाली गुड मॉर्निंग सबको ठीक है फटाफट लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि हम लेक्चर को शुरुआत करें ठीक है अभी सिक्सटी थ्री लोग हैं जैसे ही एटी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे हम जो भी है आगे के जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कवर अप करना शुरू करेंगे तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों के साथ में लिंक शेयर करिए वैशाली श्वेता मृणाल गुड मॉर्निंग राकेश गुड मॉर्निंग राकेश नाफिया गुड मॉर्निंग तो ठीक है लेक्चर को शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो जो भी है अनाउंसमेंट जो कुछ है मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है क्योंकि आप जो भी है मुझे या बाकी हमारी जो आई टीम को जानते हैं वो सी एस नेट लाइफ साइंस और गेट बायोटेक गेट लाइफ साइंस और आईआईटी जाम के लिए जो भी है जानते लेकिन आपको एक और बात बता दूं अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि अलग स्ट्रीम में पढ़ रहा है चाहे वो केमिकल साइंस में पढ़ रहा है चाहे वो फिजिकल साइंस में सी एस आर नेट करना चाहता है या चाहे वो मैथमेटिकल साइंस में सी एस आई नेट करना चाहता है तो आई एफ एस प्रोवाइडेड सी एस आर नेट कोचिंग फॉर लाइफ साइंसेस केमिकल साइंसेस मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस साथ साथ आई एफ एस गेट की जो कोचिंग है जैसे मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ गेट के टॉपिक वैसे ही आई एफ एस प्रोवाइडेड गेट कोचिंग फॉर लाइफ साइंसेस लाइफ साइंसेस में से हम कह सकते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी गेट लाइफ साइंस गेट केमिस्ट्री गेट फिजिकल साइंस और गेट मैथमेटिकल साइंस सभी के लिए जो भी है गेट जो भी है पढ़ाया जाता है और साथ साथ आईआईटी आई जाम का भी प्रिपरेशन चारों बेंचेस के अंदर गेट बायोटेक हुआ गेट केमिकल साइंस हुआ या गेट फिजिक्स हुआ या गेट मैथमेटिक्स हुआ इनके अंदर जो भी है आईआईटी आई जाम गेट और सी नेट का जो भी है प्रिपरेशन हो प्रिपरेशन हम करवाते हैं साथ ही साथ नीट का भी जो भी है अगर आपका कोई कल भी जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका कोई जूनियर है छोटा भाई है बहन है तो उसको भी आप बता सकते हैं कि नीट का कोचिंग जो भी है जो भी मेडिकल एंट्रांस की जो प्रिपरेशन है उसका भी आई एफ एस प्रिपरेशन करवा के लेता है साथ साथ डी बी जो जी आर एफ है उस डी बी जी आर एफ जो तीन अक्टूबर को एग्जाम है उसका भी हम क्रैश कोर्स अभी चला रहे हैं और जनरल एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन जो भी करवा के लिया जाता है तो ये सभी कोर्सेज है बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आई के अंदर क्या क्या कोर्सेज जो भी है अवेलेबल है कि अगर आपका कोई फिजिकल साइंस मैथमेटिकल साइंस में कोई दोस्त हो तो उसे आप क्या कर सकते हैं तो अनाउंसमेंट उसको बता सकते हैं आ, साथ साथ दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो गेट बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ उस गेट बायोटेक्नोलॉजी की कोचिंग के लिए जो आप लोग यहाँ पे मेरे पास में आ रहे हैं अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 81 लोग हैं जो कि अभी जो भी है लेक्चर्स उन लेक्चर्स को क्या कर रहे हैं तो देख रहे हैं एटी लोग लेक्चर को देख रहे हैं और इन एटी लोगों ने जो लेक्चर को आप सब लोग देख रहे हैं वो सभी लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप टारगेट कर रहे हो 2021 के फेबरुअरी में होने वाले गेट बायोटेक को अगर आप टारगेट कर रहे हो और उसके अंदर अच्छा स्कोर करके अगर आप आईआईटी के अंदर जाना चाहते हो तो ये जो एग्जाम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए पिछले जो लास्ट ईयर है 2020 है ये 2020 के हमारे क्या है तो ये रिज़ल्ट है गेट के रिज़ल्ट है आई के गेट के रिज़ल्ट है अभी देखिए ये जो चेहरे हैं यही चेहरों के अंदर अगले साल आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके फोटो यहाँ पे होंगे और अगले साल और किसी जो भी है स्टूडेंट्स की बैच को मैं यहाँ से जो भी है आपके सामने ही जैसे आज जो भी है कुछ बता रहा हो वैसे ही तो ये जो सभी स्टूडेंट्स आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी स्टूडेंट जो भी हैं आई का गौरव है आई की जो भी है इन्होंने एक जो एक परंपरा है उसको जो भी है हमेशा के लिए जो भी बना के रखा है तो वैसे आप भी बना के रखेंगे तो ये आई के रिजल्ट है जो आप लोग देख रहे हैं गेट बायो टेक्नोलॉजी के और ये गेट बायो टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं उन टीचर्स का ये जो भी है पैनल है गेट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले ये जो टीचर्स का पैनल आप देख रहे हैं उनमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो कैलास सर जिनके आप देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल है ठीक है नीलेश सर है दो नंबर पे मैं खुद हूँ विशाल सर है दिगंबर सर है जो विशाल सर आपको कल आ रहे हैं इम्यूनोलॉजी पढ़ाने आ रहे हैं कल जो लाइव सेशन होगा विशाल सर का आ, जो भी है वो कल दस बजे से होगा विशाल सर का तो पढ़ाने आ रहे हैं दिगंबर सर जो भी है हर जो भी है इवनिंग को सिक्स ओ आप लोगों को सेल बायोलॉजी जो भी है कंप्लीट सेल बायोलॉजी फ्री में पढ़ा रहे हैं तो वो भी है प्रांशु सर है ऋषभ सर है धवल सर है तो बाकी जो भी है हमारी पूरी फैकल्टी मेंबर्स है तो ये पूरा एक कंप्लीट टीम है जो आप लोगों को एक बहुत ही एक डिग्निफाइड क्या करेगा तो आप लोगों को जो भी है एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से आपका सक्सेस जो भी है कंप्लीट होने की जो भी है कगार पे होंगे और साथ साथ ये जो हमारा गेट का बैच है उस गेट बैच का अनाउंसमेंट है कि फिफ्थ सितंबर से फिफ्थ सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी से हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंस दोनों के ऑनलाइन बैचेज जो भी है आई के स्टार्ट हो रहे हैं ये अनाउंसमेंट जो भी मैंने आप लोगों से कल भी किया था ठीक है और दूसरी साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात की लाइफ साइंसेस का जो स्टडी मटेरियल है हमारा वो भी अब अपडेटेड हो गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं कि सर कितने जो भी है सी एस नेट का जो भी है स्टडी मटेरियल है या जो लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल वो कब अवेलेबल होगा लाइफ साइंसेज का स्टडी मटेरियल कुछ पिछले कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं था लेकिन अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो भी अब अवेलेबल हो चुका है अभी अगर किसी को कोई परचेस करना चाहे तो अपडेटेड स्टडी मटेरियल को भी क्या कर सकता है परचेस कर सकता है और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है कि कल के जो हमने टेस्ट लिया था उस कल के टेस्ट के विनर्स को आप देख रहे हैं कॉन्टेस्ट के जो विनर्स हैं उन विनर्स को आप देख रहे हैं कॉन्टेस्ट के तीन विनर्स के नाम यहाँ पे मैंने अनाउंस किए हैं एक है अभिनंदन भूमिक अभिनंदन भौमिक जो वेस्ट बंगाल से हैं सेकेंड है शकील अहमद जो मेवावत मेवात हरियाणा से हैं और तीसरी है श्रुति सिंह जो लखनऊ यूपी से है तो ये तीन स्टूडेंट हैं जिन तीन स्टूडेंट्स का हमने देखा है कि इन तीन स्टूडेंट्स को जो भी है सेलेक्ट किया वैसे एग्जाम के बारे में बताऊँ मैं आपको तो मोर देन जो भी हैं थाउजेंड स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया था आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने आउट ऑफ जो भी है इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बहुत सारे जो भी स्टूडेंट ऐसे भी थे इन्होंने जो भी है टेन में से टेन क्वेश्चन को सोल्व किया था आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने टेन में से टेन क्वेश्चन को सोल्व किया लेकिन अब उनमें से कुछ तीन लकी स्टूडेंट को चुनना था और जो तीन कुछ लकी स्टूडेंट चुनने थे इनमें से ये तीन है एक है अभिनंदन भोमचिक दूसरा है शकील अहमद और तीसरी जो स्टूडेंट है वो है सिंह इन तीन, तीन स्टूडेंट है आप लोग कहोगे सर कल आपने कहा था कि गिफ्ट देंगे तो इन लोगों को गिफ्ट देना है तो क्या गिफ्ट दूंगा इन लोग इन तीन स्टूडेंट्स को वैसा ये कल भी विशाल सर का क्लास होने वाला है कल विशाल सर की क्लास होने के बाद में भी कॉन्टेस्ट होगा हर अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेस्ट हो कॉन्टेस्ट होने वाला है तो कॉन्टेस्ट के लिए कल भी आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं आप विनर बन सकते हैं तो आज के जो विनर्स हैं उन आज के विनर्स का नाम बता देता हूँ ये अभिनंदन सकील और श्रुति इन तीनों को लाइफ साइंसेस की तरफ से गिफ्ट है वो गिफ्ट क्या दिया जा रहा है तो इन तीनों विनर्स को गिफ्ट दिया जा रहा है इन तीनों विनर्स का जो भी है गेट इन तीनों विनर्स का गेट बायोटेक्नोलॉजी जो है उस गेट बायोटेक का गेट बायोटेक का हम बात कर सकते हैं कि गेट बायोटेक का फ्री गेड बायोटेक को इनको फ्री टेस्ट सीरीज गेड बायोटेक की फे फ्री टेस्ट सीरीज जो भी है वो एक्टिवेट हो जाएगी इनकी आज ही ये जो तीन स्टूडेंट हैं आज इन तीन स्टूडेंट्स का गेट बायोटेक का जो भी है टेस्ट सीरीज है वो फ्रीली एक्टिवेट हो इन लोगों को इसके लिए कोई जो भी है चार्जेस हो चार्जेस नहीं लगेंगे जो भी गेट बाय टेक्नोलॉजी के हमारे टेस्ट सीरीज है आईएफएस के जो कि बहुत जो भी है दिनों से सालों से चलते आए हैं जो हर बार नए से अपडेट होते हैं गेट के प्रोबेबल क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं वो सभी यहाँ पे जो भी है आ जाएगा तो फ्री टेस्ट सीरीज जो भी है अवेलेबल इन तीनों स्टूडेंट्स को करवा के दिया जाएगा अभिनंदन सकील और श्रुति कॉन्ग्रेजुलेशंस आप लोगों का ठीक है तो ये जो भी है विनर्स उन विनर्स को मैंने यहाँ पे अनाउंस किया ठीक है अब जो भी विनर को अनाउंस करने के बाद में अब हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ हमारे जो कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो आ, सबसे सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि देर इज एन डी अमाइनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस विल नॉट बी रिकोगनाइज बाय द डैमेज रिपेयर मशीनरी डैमेज रिपेयर मशीनरी जो है इनमें से किस बेस को नॉट रिकोगनाइज है

क्या होना चाहिए आंसर फोर अच्छा वर्षा ने कहा फोर ओसर खान फोर बेहरा दो प्रजापति आशीष फोर गायत्री दो सुकन्या बी गुप्ता अच्छा ठीक ठीक है थीक है दो 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 बहुत सारा ऑप्शन है कुछ लोग चार कह रहे हैं कुछ लोग दो कह रहे हैं कुछ लोग दो कह रहे हैं ठीक है तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है दो साइटोसिन नहीं एडीनिन नहीं गोनिन भी नहीं फाइव मिथाइल साइटोसिन क्योंकि देखिए अगर साइटोसिन है और साइटोसिन का डीअमाइनेशन हो जाए साइटोसिन है साइटोसिन का अगर डीअमाइनेशन हो जाए तो साइटोसिन का डीअमाइनेशन होने की वजह से साइटोसिन इज कन्वर्टेड इन टू यूरियासिल साइटोसिन किसके अंदर कन्वर्ट होता है यूरासिल और डीएनए के अंदर कौन नहीं होता डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता तो ऐसे यूरिया सिल्क को फिर क्या किया जा सकता है हटाया जा सकता है अगर एडिनीन है उस एडिनिन का डीएमाइनेशन हो जाए तो एडीनिन का डीएमाइनेशन होने की वजह से एडिनीन हाइपोजीन के अंदर कन्वर्ट होता है और एडिनिन अगर हाइपोजेंतीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो हाइपोजेंतीन को भी यहाँ से हटाया जा सकता है गोनिन है उस गोनिन का डियामाइनेशन हो जाए तो गोनिन का डियामाइनेशन होने से गोनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो भी हम बात कर सकते हैं इसको भी हटाया जा सकता है मतलब साइटोसिन का डीएमाइनेशन होन का डिमाइनेशन हो गोनिन का डीएमाइनेशन हो तो साइटोसिन के डीएमाइनेशन से बनता यूरियासिल है एडीनिन के डीएमाइनेशन से बनता हाइपोजीन है गोनिन के डीएमाइनेशन से बनता जैनतीन आप सब लोग जानते हैं कि अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ज्यादातर जो बेसिस होंगे वो एडीनिन था और साइटोसिन होंगे ये चार ही बेसेस है इन्हीं से डीएनए बना हुआ है इन चार बेसेस के अलावा डीएनए के और कोई बेस डीएनए के अंदर जो भी है प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं होने वाला अगर कहीं पे एडिनिन है और एडिनिन की जगह के ऊपर जहां पे प्रेजेंट तो होना चाहिए आदिनीन, लेकिन आदिनीन के के दे रहा है, मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट क्या है, 101 के के से हुआ है तो ऐसे हाइपोजेंतीन को हटा दिया जा सकता है हटा दिया जा सकता है या जो भी है यूरेसिल को हटाया जा सकता है लेकिन जो फाइव मिथाइल साइटोसिन है उसको आप हाँ जो भी है तो अगर उसका डिमाइनीशन हो जाए तो उसको नहीं हटा पाएंगे जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देखिए जरा सा कि हम बात कर रहे हैं फाइव मिथाइल साइटोसिन की साइटोसिन साइटोसिन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है दिस वॉज स्ट्रक्चर ऑफ अ साइटोसिन ये स्ट्रक्चर है साइटोसीन ये स्ट्रक्चर किसका है तो साइटोन साइटोसिन का स्ट्रक्चर है इससे नंबर वन पोजीशन, टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये किसका स्ट्रक्चर है तो आपके साइटोसिन का स्ट्रक्चर है तो साइटोसिन लेकिन अगर साइटोसिन से डीअमाइनेशन हो जाए साइटोसिन है साइटोसिन का क्या हो जाए डीअमाइनेशन हो जाए तो साइटोसिन का डीअमाइनेशन होने से जो ग्रुप बनेगा या वहाँ पे जो मॉडिफाइड बेस बन जाएगा वो मॉडिफाइड बेस कुछ इस तरीके से बनेगा और साइटोसिन का डीएमाइनेशन होने से जो मॉडिफाइड बेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा जिसका नाम क्या होगा तो पर्टिकुलरली इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये है साइटोसिन तो डीएमाइनेशन होने की वजह से ये जो भी बेस बना है इसका नाम क्या है यूरोसिल यूरोसिल को तो हटा सकते हैं लेकिन देखिए फाइव मिथाइल साइटोसिन का मतलब क्या है तो फाइव मिथाइल साइटोसिन का मतलब बहुत सिंप्लीफाइड है कि यहाँ पे अगर जो भी है साइटोसिन है लेकिन साइटोसिन के अंदर पांच नंबर की पोजीशन के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन नहीं एक मिथाइल ग्रुप हो तो क्या होगा अगर आप डी होगा तो अमाइनो ग्रुप ये यहाँ से चेंज हो जाएगा यहाँ किटो ग्रुप आ जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा सी एस थ्री रहेगा और अब ये यूरासिल नहीं रहेगा तो यूरासिल ना रहते हुए ये क्या रहेगा थाइमिन रहेगा और थाइमिन तो डीएनए का ही बेस है

तो सीपीजे जो, जो आइलैंड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है दीज आर हॉट स्पॉट ऑफ म्यूटेशन ये म्यूटेशंस के क्या है हॉट स्पॉट है ठीक है दीज आर हॉट स्पॉट ऑफ म्यूटेशन राकेश का सवाल है सर यूनिट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर कब अवेलेबल होंगे वेबसाइट पर राकेश आ, उसके लिए जो भी है आपको लिंक दिया जाएगा अभी हमारी तरफ से ठीक है आई की तरफ से लिंक दिया जाएगा उस लिंक के ऊपर आप एक बार जो भी सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मिलेंगे तो एक बार आप कॉन्टेक्ट के ऊपर भी हमारे कॉल कर लीजिए ऑफिस के तो वहां से भी आपको पता चलेगा ठीक है तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में तो पहले क्वेश्चन के बारे में कि एमाइनेशन किस नाइट्रोजन बेस का डीएमाइनेशन होने से हम रिपेयर सिस्टम उसे आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा तो साइटोसिन का यूरासिल के अंदर कन्वर्ट होगा तो उससे तो हम डिटेक्ट कर ही पाएंगे जो भी है आपका एडिनिन, एडीनिन के अंदर कन्वर्ट होगा उसे डिटेक्ट कर पाएंगे अंदर, तो डिटेक तो अंदर, अंदर पहले से प्रेजेंट होता है तो वहां पे अब रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा इसीलिए जो सीपीजी आइलैंड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है दीज आर हॉटस्पॉट ऑफ म्यूटेशन क्योंकि सीपीजी आइलैंड्स के अंदर अगर साइटोसिन का डिएमाइनेशन हो जाए तो साइटोसिन इज कन्वर्टेड इन टू थामीन एंड इट कैन नॉट बी रिमूव बाय द रिपेयर सिस्टम ठीक है इसका आंसर भी देख लीजिए आप इसका आंसर है अब क्वेश्चन नंबर टू बताइए जरा क्या होना चाहिए आंसर वायरस इंड्यूस जीन साइलेंसिंग वी आई जी एस ज प्रोसेस दैट टेक एडवांटेज आर एन वायरस इंड्यूस जीन साइलेंसिंग जो प्रोसेस है वो एडवांटेज लेती है किसका तो इंटरफरिंग आर एन ए का एडवांटेज लेती है आर एन ए आई मेडिएटेड एंटी वायरल डिफेंस मैकेनिज्म एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये क्या करता है तो एडवांटेज लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड्स टू डिग्रेड टारगेट ट्रांसक्रिप्ट ठीक है कविता गुड मॉर्निंग थ्री 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 अमूल्य बेहरा का वन हैशा का टू है कुमोन राठौड़ का वन है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड एस आई आर एन ए टू डिग्रेड अ टू डिग्रेड द ट्रांसक्रिप्ट मतलब दिप्टर को डिग्रेड करने के लिए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहते थे जिसके साथ कौन से प्रोटीन बाइंड होते थे तो आर्गोनेट फैमिली के जो भी प्रोटीन प्रोटीन बाइंड होते थे और आर्गोनेट फैमिली के जब प्रोटीन बाइंड होते थे तो वो इसे क्या करते थे तो जो भी है उस एम को टारगेट एम के डिग्रेडेशन के लिए अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस से बाइंड है तो उसके लिए ठीक है बहुत अच्छा सब लोगों ने बहुत अच्छा दिया तारिका बजाज सुरजीत बिल्कुल सही कुमार कुमारी शाह आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए इक्वेशन को तो पता चलेगा आपको तोसीर खान साइली मृणाल संजना सुमन नीलिमा वर्षा गायत्री गायत्री मोरे अंजला अंजलि गिरी भाग्यश्री बहुत बहुत सही बिल्कुल सब ने मेगा श्वेता संजू राकेश अरिफा, दर्शना बिल्कुल सही वैभव जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए सिंगल स्ट्रैंड आ रही नहीं, नहीं वहाँ पे क्या चाहिए रिस्क कॉम्प्लेक्स चाहिए रेणुका पांडे बिल्कुल सही ठीक है प्रियंका यादव बिल्कुल सही अब आंसर भी देख लीजिए आंसर क्या है दट इज़ अ रिस्क कॉम्प्लेक्स अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड

जो जीन है उस जीन का रिप्रेशन कल हम डिस्कस कर रहे थे कुछ कल हमने पढ़ा भी था कि जैसे कि सपोज यहाँ पे सिस्टम उस यूकेरोटिक सिस्टम के अंदर यहाँ पे कोई एक जीन है और हर जीन के पहले यहाँ पे इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइड है तो हर जीन के पहले यहाँ पे सी पी जी आईलैंड प्रजेंट होते हैं और इस जीन सी पी जी आईलैंड और सी पी जी आईलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है ये जीन एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है तो ये रिप्रेशन रिप्रेशन मतलब उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रोकना उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रोकना ये कि किस बात के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है जरा दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए देखिए उस जीन मतलब को एक्सप्रेस होने से रोका जा रहा है किसकी वजह से मिथाइलेशन की वजह से तो डीएनए मिथाइलेशन डिपेंड्स ऑन या रिप्रेशन अब डीएनए मिथाइलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है रिप्रेशन तो कब होगा अंकिता बिल्कुल सही अंकिता का जवाब सही अभी तक ताईली बिल्कुल सही मोहिनी ताइडे बिल्कुल सही स्वास्ति सुकन्या करेक्ट मृणाल परदेशी करेक्ट अरेफा जासमीन बिल्कुल करेक्ट कविता थोड़ा सा कविता और संध्या राय अब जरा वंदना सही है दर्शना बिल्कुल करेक्ट है अब देखिए मिथाइलेशन के ऊपर डिपेंडेंट क्या है तो उस जीन का रिप्रेशन अगर मिथाइलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे अगर ज़्यादा सी पी जी होंगे तो इसके ऊपर मिथाइलेशन हो मिथाइलेशन ज़्यादा होगा और सी पी जी आईलैंड ज़्यादा होंगे मिथाइलेशन ज़्यादा होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हाई डेंसिटी होगी मतलब हाई डेंसिटी ऑफ जो आइलैंड्स होंगे उनकी हाई डेंसिटी की वजह से ही वहां पे क्या हो पाएगा रिप्रेशन रिप्रेशन हो पाएगा ठीक है तो ये जो भी हमने क्वेश्चन है क्वेश्चन को देखा तो इसका आंसर क्या है एन मतलब जितना सीपीजी आइलैंड ज्यादा होंगे उतना उनके ऊपर मिथाइलेशन ज्यादा होगा

पिंटू कुमार प्रोमोटर स्ट्रेंथ भी हो सकती है लेकिन रिप्रेशन के बारे में बात पूछी जा रही है और मिथाइलेशन के ऊपर पूछा जा रहा है तो मिथाइलेशन तो सीपीजी आइलैंड्स के ऊपर होता है वहां पे प्रमोटर हाँ नॉर्मली पूछा जाता तो बात कुछ अलग होती है लेकिन यहां पे हमें बिल्कुल ही जो भी है सोचने पे क्वेश्चन ने मजबूर कर दिया है कि आप मिथाइलेशन से रिलेटेड जो भी है ये कोशिश करिए देवेश कुमार वर्मा ये कॉन्टेस्ट कब था ये कॉन्टेस्ट देवेश कुमार कल था कल बारह बजे शुरू हुआ था कॉन्टेस्ट मुजामिल इज फाउंड इन प्लांट्स टू एंड डाइसर फाउंड ओनली इन साइटोसोन मुजामिल ड्रोशा प्लांट के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है और डाइसर सिर्फ साइटोसोल के अंदर होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता संजना सिन्हा वन करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन सबको समझ में आया अगर क्वेश्चन समझ में आया एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो यस टाइप करिए तो आगे बढ़े हम अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं क्लियर है, है सबको अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आ गया ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर तो बहुत ही आसान था मुझे लगता है आप में से हर किसी को क्वेश्चन नंबर फोर आना ही चाहिए था ठीक है आपको यस से यस एन आर एन ए और स्नो आर एन ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी लेकिन फिर भी ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है तब तक साधवी राय का मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है साधवी सी पीजे के ऊपर ही यूकेरटिक सिस्टम के अंदर ज्यादातर मिथाइलेशन होता है बाकी रीजन के अंदर ज्यादातर मिथाइलेशन की ऐसा यूकेरटिक सिस्टम के अंदर कोई नहीं है प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर तो मिथाइलेशन पूरे थ्रू आउट जीनोम के अंदर होता है सोनू तो कुमार यादव स्ट्रांग प्रोमोटर का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रमोटर जिस प्रोमोटर के ऊपर आर एन ए पॉलीमरेज फास्टली बाइंड हो ईजिली बाइंड हो और ट्रांसक्रिप्शन को इफिशियंटली शुरू करे ऐसे प्रमोटर को हम स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहते हैं

क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए अब देखिए चलो यसएन आरएनए के बारे में आप लोगों को शायद मैंने नहीं पढ़ाया ठीक है मैंने आपको स्नो आरएनए के बारे में भी नहीं बताया लेकिन कल हमने एसआई आरएनए को भी पढ़ा है और हमने एमआई आरएनए को भी जो भी है डिस्कस वो डिस्कस किया है तो एसआई आरएनए का फंक्शन और एमआई आरएनए का फंक्शन क्या होना चाहिए देखिए एसआई आरएनए क्या करता था यस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो टारगेट एमआरएनए है उस टारगेट एमआरएनए के साथ में वो परफेक्टली कम्प्लीमेंट्री जाके बाइंड होता था और टारगेट एमआरएनए के साथ अगर कंप्लीटली परफेक्टली जाके बाइंड होता था तो वो क्या करता था तो ये डिग्रेडेशन करता था ये क्या करता था तो डिग्रेडेशन करता था किसका टारगेट जो एमआरएनए उस टारगेट एमआरएनए का डिग्रेडेशन करता था तो टर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्टिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टिव एमआरएनए तो बी का किसके साथ लगेगा

यमआईआरए का क्या फंक्शन है तो एम आई आर एन ए का देखिए कि रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन ट्रांसलेशन ऑफ सेलेक्टिव तो इन सी का फंक्शन है कि रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ सेलेक्टिव सेलेक्टिव के ट्रांसलेशन को क्या किया जाता है तो रोकने का काम इनका है तो ए का बी का हो गया फर्स्ट सी का हो गया टू बी का हो गया फर्स्ट और सी का हो गया टू यहाँ पे दोनों भी है अब बारी आती है यस एन आर एन ए और स्नो आर एन ए के बारे में हमें कुछ पता होने RNA का काम क्या है तो स्नो आर एज यूज टू प्रोसेस एंड केमिकली मोडिफाइज आर 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 एज कामिकलिफिकेशन करता है कि ये के लिए काम करते हैं. से में इंट्रॉन्स को जो भी रिमूव करने का काम करते हैं तो फिर ए का होना चाहिए थर्ड ठीक है ए का होना चाहिए थर्ड और डी का होना चाहिए फोर तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा सेकंड आंसर हो सेकंड आंसर होना जरूरी है ठीक है एंजिस्माइली का क्वेश्चन है सर रिट्स रीड्स सीएसआरएनए में भी सकता है क्या रिट्स रीड्स सीएसआरएनए में जनरली ऑब्जर्व नहीं होता एंजिमा एंजिस्माइली ओएमआईआरएनए के अंदर ऑब्जर्व होता है ठीक है राकेश का सवाल है एक बार में राकेश के सवाल को लेके चलता हूं सर बट सीपीजी

प्रमोटर की जो सीक्वेंसेस है उन्हीं के अंदर ही सीपीजी आइलैंड्स होते हैं राकेश चौधरी ठीक है अमूल्य बहरा, कंफ्यूज है क्या है आपका सवाल एक बार बताएंगे तो मैं उसे क्लियर कर पाऊंगा चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या है फिर टू जो भी है क्वेश्चन नंबर जो भी फोर का आंसर जो भी है टू है तो यहाँ पे जो भी आंसर भी देख लीजिए इसका आंसर टू है अब है क्वेश्चन नंबर फाइव अब क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर को देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर को कि कहा जा रहा है एजीओ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ एजीओ का मतलब है आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन तो आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन्स है वो आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन्स प्रोटीन इज एसोसिएटेड हैथ आलिया भट्ट लेक्चर अवेलेबल है आप देखिए राइट 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 करेक्ट 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 आंसर क्या है कि आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के साथ सॉस मैकेनिज्म या ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के साथ नहीं ये आरएन इंटरफेरेंस के इफेक्टर कॉम्प्लेक्स के साथ या रिस्क कॉम्प्लेक्स या रिट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो क्या है तो इंपॉर्टेंट है मुजामिल बिल्कुल डीएनए टॉपोलॉजी के बारे में भी हम आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर जरूर पढ़ेंगे राइट right. ठीक है तो ये आर एन ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट था तो इसको हमने डिस्कस किया अब क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है उस सिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ स्मॉल इंटरफेरिंग आर एन ए जो यस आई आर एन ए है उस यस आई आर एन ए से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ स्मॉल इंटरफेरिंग आर एन ए स्मॉल इंटरफेरिंग आर एन ए के लिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है यह सा रहने के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को या नॉट ट्रू स्टेटमेंट को हमें जो भी है यहां पे पूछा गया देखिए इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का जवाब सिक्स का फोर होगा 6 का देखिए ठीक है देखिए मैं समझाता हूँ यस आई आर एन ए का यहाँ पे लेंथ दिया है और यस आई आर एन ए का यहाँ पे लेंथ दिया है ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फाइव न्यूक्लियोटाइड का उसके अंदर टू न्यूक्लियोटाइड का ओवर ओवर थ्री एंड सही है ये तो क्वेश्चन ये तो ऑप्शन सही है यस आई आर एन ए इज प्रोसेस बाय प्रोटीन आर एन ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस्क ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यस आई आर एन ए की प्रोसेसिंग रिस्क कॉम्प्लेक्स नहीं कराता जो यसाइरन है, है? तो है वो कौन सा है डाइसर प्रोटीन है ठीक है तो यसाइर की प्रोसेसिंग के लिए कौन लगता है तो की प्रोसेसिंग के लिए आ, के साथ में अगर फैमिली के प्रोटीन बाइंड हो जाए तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा रिस्क कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि यस आयन एज प्रोसेस बाय आरएनए आरएन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस एसआईआरएन की प्रोसेसिंग आपका आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या रिस कॉम्प्लेक्स नहीं कराता एसआईआरएन yes, की प्रोसेसिंग कौन कराता है डाइसरडाइसर कराता है अब थर्ड देखिए एसआईआरएन इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय वायरसेस हाँ ये वायरसेस से इंड्यूस होते हैं वायरसेस के जीनोम को तोड़ने से किया जा सकता है और एस आई आने डज नॉट जनरली एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हाँ ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर जनरली एक्ट नहीं करते क्योंकि ये जनरली ट्रांसलेशन इनिबिशन करते हैं या ट्रांसलेशन को यान ए को डिग्रेडी कराते तो एस आई आर एन ए ड नॉट जनरली एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है ये आर एन ए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है एस आर एन ए की प्रोसेसिंग रिस्क कॉम्प्लेक्स नहीं बनता हा

एस आर एन ए की प्रोसेसिंग कौन कराता है तो एस एन ए की प्रोसेसिंग कराता है हमारा पर्टिकुलरली डाइसर प्रोटीन करेक्ट है क्लियर है सब लोगों को गुरु कन्या जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आपने दिया है तो रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है ठीक है तो रिजल्ट को उनमें से कुछ तीन स्टूडेंट्स को हमने जो भी है वहां पे चूज किया है ठीक है तो आप लोगों के लिए जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का मैं देखता हूं कि अगर वहां पे अपलोड किया जाए पूरा रिजल्ट रैंक वाइज लेकिन उसमें यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आउट ऑफ मार्क्स मिले थे लेकिन सभी स्टूडेंट में से कुछ तीन स्टूडेंट को ही हमें क्या करना था तो पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना था तो उसको हमने जो भी करेक्ट किया यस सर तो ऑप्शन वन एक्सप्लेन कर दीजिए वर्षा जोशी की सिक्वेंस दे रखी है एसआरएनए के अंदर कहा गया है कि एसआरएनए 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड का है और उसके अंदर टू न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग होता है थ्री एंड की तरफ मतलब जब एसआरएनए बनता है तो एसआरएनए ये इस तरीके से 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड का होगा और ये सपोज इसका फाइव एंड है ये इसका थ्री एंड है तो ये कुछ इस तरीके से जो भी है टू न्यूक्लियोटाइड उस टू न्यूक्लियोटाइड का इस तरीके से ओवरहैंग ओवरहैंग प्रेजेंट होता है राइट right. ओवरहैंग मतलब जो भी थोड़ा सा ये नीचे वाला स्टैंड थोड़ा सा छोटा है और ऊपर वाला स्टैंड थोड़ा सा बड़ा है इसे ओवरहैंग कहा जाएगा कौसर खान ऑप्शन फोर का मतलब है डज नॉट जनरली एक्ट एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से आपने रिस्क कॉम्प्लेक्स बनते हुए देखा है कौसर जो यस आई आर एन ए से आपने ये नहीं देखा कि रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है वो तो ट्रांसक्रिप्शन को कराता है जाके मिथाइलेशन करा देता है वो पे यूक्रोमेटिन को हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट कराता है ठीक है तो ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब है कि रिट्स कॉम्प्लेक्स एसआरएन की वजह से बनता है क्या तो नहीं बनता एसआरएन की वजह से रिट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर एक्ट नहीं करता क्योंकि डीएनए मिथाइलेशन करने के लिए रीड्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए तो रीड्स कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म नहीं कराता ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो आंसर क्या होना चाहिए आंसर तो होना चाहिए टू क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होना चाहिए टू आंसर वॉज अ करेक्ट आंसर करेक्ट क्लियर है सबको यस yes? अच्छा ठीक है एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है सब लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो एक यस टाइप करिए तो अगर आप लोगों का आंसर समझ में आ रहा है तो टाइप यस करेक्ट 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 ये जो मैं आप लोगों को सभी बता रहा हूं ये सभी प्रोबेबल क्वेश्चंस है ऐसे ही प्रोबेबल क्वेश्चन आपको कहा आने वाले हैं तो आप देने वाले जो एग्जाम्स है चाहे किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेज के एग्जाम दो आर एन के ऊपर इसी तरीके के जो क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे ठीक है तो अभी 130 लोग हैं लेक्चर देख रहे ठीक है अभी भी लेक्चर्स के लाइक्स बहुत कम है ठीक है तो अगर लेक्चर को लाइक like नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक like करिए अभी भी जो भी हम 150 ही लाइक्स लेक्चर को देख रहे हैं अभी जो भी है लेक्चर है उस लेक्चर के लाइक अभी जो भी है हम कह सकते हैं कि अभी तो डेढ़ सौ के पास में ही है अभी दो सौ के ऊपर जाने चाहिए ढाई सौ के आसपास लेक्चर के लाइक जाने चाहिए तब हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे टोटल टेन क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन अभी हो चुके हैं आशी कुमारी भी बेनिफिशियल है ये आपकी डीबीटी के लिए भी बेनिफिशियल है आईसीएमआर एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है और सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है ये बायोलॉजिकल साइंस के अंदर चाहे गेट के एग्जाम हो चाहे किसी ने किसी स्टेट लेवल की सेट की एग्जाम हो तो भी इन सभी एग्जाम्स के लिए क्या है तो ये पर्टिकुलरली बेनिफिशियल हो बेनिफिशियल है तो दिस वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जाम्स ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या है तो बेनिफिशियल है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन भी आसान ही है देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर सेवन तो बहुत सिंपलीफाइड ये कहता है कि स्मॉल आर एक स्मॉल आर है टरी सिक्वेंसेस एक छोटा सा आर है जिसके अंदर इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेस है दैट फॉर्म अ देयरपिन लाइक स्ट्रक्चर सिंथेसाइज एज एजर्सर आर एन एंड क्लीव बाई एंडोन्यूक्लियस टू फॉर्म अ शॉर्ट अट्लेस आर कॉड मतलब कहा जा रहा है कि एक स्मॉल आर है और इस स्मॉल आर के अंदर कुछ इस तरीके से जो भी है इंटरनल कॉम्प्लीमेंटरी सिक्वेंसेस है जिसकी वजह से कुछ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है उनकी भी फॉर्मेशन हो चुकी है और क्ल्यू बाई एंडोन्यूक्लियस मतलब किसी से क्ल्यू होता है टू फॉर्म शॉर्ट डुप्लेक्सेस और इसकी वजह से शॉर्ट डुप्लेक्स फॉर्म करता है तो ऐसे आर एन ए को हम क्या कहेंगे क्या कहा जाएगा ऐसे आर एन ए को राइट ऐसे आर एन ए को कहा जाएगा

कि रिकॉर्डेड यूनिट वाइज लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे आईएफएस की वेबसाइट पे तो उसके लिए आप जो भी हमारे वेबसाइट को विजिट करिए वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए राकेश चौधरी तो वहाँ पे आप जाके एक बार जो भी है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ हमारे ऑफ़िस में कॉल करके पूछ लीजिए एक बार ठीक है तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा और हाँ अगर आपको जेनेटिक्स लेना है तो कोई बात नहीं राकेश तो उसके लिए आप एक बार ऑफिस में इंक्वायरी कर लीजिए वेबसाइट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं वर्षा दीक्षित क्रैश कोर्स सी एस आर का अभी तक सी एस आर की कोई ऑफिशियल एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट का डेट अनाउंस होगा तो हम सी एस आर के क्रैश कोर्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम भी जो भी है करेंगे ठीक है नाउ वी है देखिए आर इंटरफेरेंस इज मेडिएटेड बाय बोथर इंटरफेरेंस के अंदर और दोनों होता है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज नॉट ट्रू ट्रूसआईनए और के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो भी है ये गलत है हीना का सवाल है कि सर स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा आ, हीना स्टडी मटेरियल जो भी है हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा आपको आई एफ एस की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल का वहां पे ऑप्शन मिलेगा तो आप उसे देख पाएंगे ठीक है नॉट ट्रू है कहा जा रहा है ये तो सही है। दोनों डाइसर प्रोसेस कराता है। यस आई आर एन usually गाइड द साइलेंसिंग ऑफ सेम जेनेटिक लोकाय फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम जानते हैं जो है, सिस है तो ये ट्रांस एक्टिंग है

एमआईआर ट्रांस एक्टिंग होता है वो सेम के ऊपर एक्ट नहीं आक्ट आक्ट होगा दूसरे के ऊपर जो भी एक्ट एक्ट होगा ठीक है करेक्ट राइट right. तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर है सेकंड क्वेश्चन नंबर एट के बाद नाउ वी हैव टू मूव अ क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन नंबर नाइन पर्टिकुलरली सिर्फ आपके एम आई के बारे में यमआई आर के बारे में जो भी सवाल है और हमें यहाँ पे क्या बताना है तो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन माइक्रोन आर एन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइन ट्यूनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन माइक्रोन आर एन ए जो भी है रिसेंटली पता चला है कि वो फाइन ट्यूनिंग शो करते हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए के साथ बाइंड करके जीन साइलेंसिंग कराते हैं एंड इंड इनिबिशन ऑफ द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन को इनिबिट कराते हैं तो अदर हैंड देर इज देर आर आर एज बाइंड टू दर एन एंड एक्टिवेट देयर डिग्रेडेशन कुछ एम आई आर एसे भी हैं जो बाइंड होते हैं हो और उसकी डिग्रेडेशन को एक्टिवेट कराते हैं the following characteristics have been applicable to

जो भी है कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंसेस होती है कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज परफेक्ट नहीं होती है तो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज से ये क्या होता है तो बाइंड होता है करेक्ट सब लोग सही जवाब दे रहे सुरजीत हो स्वास्ती राकेश नीलम नीलेश संधवी काजल आशा कौसर सुमन अशु जेनिफर साइली अर्षा अरुतु सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो ये पहला तो सही है कि किस पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ अ टारगेट इस तरीके से बाइंड है, बाइंड है है। हो जाएंगे ये करेक्ट है। अब दूसरा इस बेस री अब वो आता है। मैंने कल ही कहा था बायोलॉजी के अंदर अलवेज कुछ नहीं होता बायोलॉजी के अंदर जनरली मे बी ये फिनोमिनो जो भी है काम करते हैं तो ये जो भी है बी है वो बी स्टेटमेंट गलत है

फाइव यूटीआर के ऊपर तो नहीं है तो डी स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट कौन सा सही होना चाहिए ए एंड सी ठीक है तो सबका आंसर सही है बिल्कुल करेक्ट एक बार आंसर भी देख लीजिए आप टू आंसर वॉज अ करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि जो भी है ए एंड सी जो भी क्वेश्चन का ये जो आंसर है ये करेक्ट है देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट क्वेश्चन है अब इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि एस आई आर ए एंड एम आई आर ए इज यूज फॉर अचीविंग अ जीन साइलेंसिंग इन दोनों को एस आई आर एन और एम आई आर ए को जीन साइलेंसिंग के लिए इस्तेमाल करल दो द मेजर स्टेप्स आर सिमिलर देर आर डिस्टिंग डिफरेंस इन द की प्लेयर्स ऑफ टू प्रोसेसिंग पाथवेज फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेड टू द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ जीन साइलेंसिंग कहा जा रहा है कि इन दोनों के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के अंदर ये डिफ्रेंसेस क्या है पूछा गया है और नीचे देखिए क्या पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें जो भी पूछा गया है इनमें से क्या स्टेटमेंट गलत है पहला देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए बोथ एंड आर प्रोसेस बाय साइटोप्लाज्मिक डाइसर डाइसर से आई और एन दोनों का प्रोसेसिंग होता है करेक्ट है गलत नहीं है ड्रोशा इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ यमआईनएस एंड प्रिकर्सर यस आई नहीं ड्रोशा न्यूक्लियस के अंदर होता है वो सिर्फ यमआईआर की प्रोसेसिंग कराता है की प्रोसेसिंग कराता तो बी स्टेटमेंट गलत है Both and shows association with family protein दोनों के साथ भी family के हमें क्या बोला है इनकरेक्टमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बी ओनली इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी ओनली क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इसको हमने डिस्कस किया बिल्कुल सबका आंसर सही है राम गुड मॉर्निंग राइट 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 थर्ड स्टेटमेंट वॉज इन करेक्ट स्टेटमेंट राइट तो थर्ड स्टेटमेंट वॉज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर है वो आंसर भी क्या दिया हुआ है थर्ड वॉज इनकरेक्ट तो हमें इनकरेक्ट ही पूछा था इनकरेक्ट ही यहाँ पे बताया ठीक है तो ये टेन क्वेश्चंस थे उन टेन क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस किया ठीक है और जो कुछ एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने उसके लिए रखा है अब सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं कुछ डाउट है तो डाउट के लिए आप पूछ सकते हैं मुझे अगर ये जो हमने कुछ दस क्वेश्चन डिस्कस किया उनमें से अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं उस डाउट का मैं क्लेरिफिकेशन दे पाऊंगा आरतू शर्मा सर आप सेल बायोलॉजी पढ़ाते हो क्या हाँ आरतू सेल बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ मोलिकुलर बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ मुझा मिल वाई वी कॉल आर एन एल ऑल्सो पीटी जी एस एट ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग हाउ इट नॉट एट एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल अब पीटी जी एस का मतलब मुंजमिल होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जीन साइलेंसिंग होना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद और ट्रांसक्रिप्शन के बाद मतलब

थैंक यू अमूल्य वेलकम है आपका गायत्री मौर्य आज कॉन्टेस्ट नहीं होगा कल कॉन्टेस्ट होगा कल विशाल सर आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे सुबह दस बजे ही आज का जो समय है उसी समय पे विशाल सर आपको दस बजे पढ़ाएंगे इम्यूनोलॉजी और जैसे वो इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे तो कल ही आपका जो भी है बारह बजे इम्यूनोलॉजी का कॉन्टेस्ट होगा उदय मौर्य वेलकम उदय या तो केमिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे जो भी है वहां पे है अवेलेबल है आप देखिए बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है राकेश चौधरी बिल्कुल जेनेटिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब कभी जेनेटिक्स टॉपिक आएगा तो वो भी पढ़ाया जाएगा अंबर राना ओके वेलकम राइट पिंकी कराएंगे रिकॉम्बिनेशन भी कराएंगे जेनेटिक्स भी कराएंगे कुमन बिल्कुल एप्टीट्यूड भी कराएंगे गौसर तो खान की यमआई ने रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है रिक्स और रिट्स में फर्क बस इतना है कि दोनों के अंदर आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन अलग अलग होते हैं ठीक है थैंक यू सबको ठीक है अब साथ साथ देखिए कि इन क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद कल का जो मैं थोड़ी देर पहले से ही डिस्कस कर रहा था कल का जो लाइव सेशन है वो जो भी है वो विशाल सर का है ये इम्यूनोलॉजी के आईएफएस के स्पेशलिस्ट हैं ये आपको इम्यूनोलॉजी के अंदर कल एंटीजन पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये टॉपिक आपको बाकी एग्जाम्स के लिए सभी बायोलॉजिकल साइंसेस के एग्जाम के लिए जो भी क्या आएगा तो काम है उस काम में आएगा तो ये कल दस बजे है बिल्कुल मत भूलना कल दस बजे जो भी है अभी से इसको जो भी लाइक करके रखना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है तो विशाल सर जो भी है कल आपको दस बजे पढ़ाएंगे और विशाल सर पढ़ाएंगे तो तुरंत कॉन्टेस्ट भी होगा कल बारह बजे से कॉन्टेस्ट होगा और परसों विशाल सर उसके जो भी है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उस समय पे विनर्स और विनर्स को तो जो कल लोगों ने कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा नहीं लिया था आज सब लोग कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लेना ताकि विशाल सर आप लोगों को जो भी है कल क्वेश्चन देंगे तो आप लोग जो भी उसको सॉल्व कर पाए और आप भी विनर्स की कैटेगरी के, के अंदर आए ठीक है विशाल सर के बाद एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए आप सब लोग देखते होंगे ये लेक्चर दिगंबर सर हैं जो कि सिर्फ लाइव क्लास लेते हैं इस क्लास का कोई रिप्ले नहीं होता ये लाइव क्लास लेते हैं लाइव क्लास अगर होती है और लाइव क्लास के अंदर एक बार क्लास हो जाए तो फिर लेक्चर आपको दिखाई नहीं देगा तो लाइव लेक्चर होगा कल पंद्रह नंबर का लेक्चर है उनका और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ऊपर वो मेंटी मिनटिक्विज के क्वेश्चन जो भी हैं लेने वाले हैं वैसे कल नहीं आज ही लेक्चर है और आज शाम को छः बजे लेक्चर है तो एवरी इवनिंग सिक्स ओ क्लाक दिगम्बर सर पढ़ाते हैं तो कुछ आप लोग जो भी बिल्कुल मिस करना है इस लेक्चर को इस लेक्चर को ज्वाइन करना छः बजे ठीक है ठीक है क्लियर तो ये जो भी है कुछ अनाउंसमेंट थी आपके लिए और हाँ ये इंपॉर्टेंट जो भी मैंने पहले आप लोगों को कहा था बिल्कुल वैसे ही आई जो हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस का जो टीम है और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर भी जो मेडिकल uh, एंट्रांस की प्रिपरेशन कराने वाली जो नीट की टीम है हमारी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज है सब लोग बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं तो जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि आपका कोई अगर भाई है या कोई छोटा आपका जूनियर है बहन है तो उनको बताइएगा इस आई के इसके बारे में इसकी ये भी फ्री है आप लोगों के लिए सबके लिए जैसे आप लोग अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वैसे ही नीट के अंदर भी मेडिकल इंट्रांस टेस्ट के लिए भी ये प्रिपरेशन एम प्रिपरेशन करवा के लेंगे तो आज से वो भी शुरू हो रहा है थर्ड सितंबर से सुबह दोपहर को पाँच बजे से लेके शाम के आठ बजे तक ये जो भी है पढ़ाने वाले हैं तो ये जो भी है एट डेज का कॉन्क्लेव है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी को टारगेट कर रहे हैं तो इसे भी आप जो भी है मैसेज स्प्रेड कर ही सकते हैं ताकि जो भी है आपके जूनियर्स को भी इसका फायदा हो या आपके जो भी छोटा भाई बहन है उनको भी फायदा हो ठीक है लिमिन हुआ हाँ मेरी लेक्चर अवेलेबल uh, है ऑफलाइन भी प्रिया यादव थैंक यू अमूल्य बेहरा डीजे सर के आ, क्लास का पीडीएफ सर जैसे क्लास में आएंगे आपको बता देंगे ठीक है तो ये जो भी है पूरे जो क्वेश्चन उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और जो कुछ हमने डिस्कस किया तो कल विशाल सर से आप जो भी है दस लोग दस बजे सब लोग मुलाकात करेंगे ठीक है तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे रुकते हैं नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे आप लोगों के साथ में ठीक है थैंक यू गाइज जाते जाते लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक जरूर करना अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को जो भी है आप प्रेस करना ताकि जो भी है आपको हमारे जो भी डेली शेड्यूल्स हैं उन डेली शेड्यूल्स का नोटिफिकेशन आता चले और इन फ्री लेक्चर्स का आप जो भी हैं पूरा इस्तेमाल करें और आपकी जो भी नॉलेज उस नॉलेज को फुलफिल करने की कोशिश हो कोशिश करें ठीक है तो वंस अगेन थैंक यू गाइज लेक्चर को लाइक like करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको जो भी अपडेट्स आए थैंक यू वेरी मच